अभी रोहित भाई पिक्सी के साथ बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे। इनको कुछ नहीं है कि पूरी पिक्सी को सताते रहते, भी मेरे ऊपर नाम आता है पिक्सी को सता रहा हूँ मैं। अभी इसको सताया जाएगा वैसा लग रहा है मुझे, इसको सताते। पिक्सी ने फाइटर प्लेन गिरा दिया है और पेज मिल गया था हमको एक, तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे बचपन के। एरोप्लेन बना 1 2 3 पिक्सी 3। सोते सोते उठ गई, नींद खुल गई उसकी पूरी। सो गाइस, कल हम मूवी जा रहे हैं और चुप मूवी जा रहा हूँ। वैसे तो मैं सनी देओल साहब बहुत दिनों बाद आ रहे हैं टीवी पर, मतलब टीवी पर क्या पर्दे पर। और कल कुछ तो है, मतलब टिकट सबकी 75 है हर मूवीज की, पता नहीं कुछ सिनेमा डे है या कुछ है, क्या है कल? हाँ, नेशनल सिनेमा डे है कल। तो नेशनल सिनेमा डे को क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि सारे टिकट ऑल ओवर इंडिया, कुछ कुछ सिनेमा में, सारे सिनेमा में नहीं है, सारे हैं, पता नहीं जो भी है। मैंने तो देखा मोस्टली में सबके टिकट 75 है, कोई सी मूवी देख लो आप, तो अच्छा है ये। तो कल जाते हैं 75 में मूवी देख के आते हैं। वैसे उज्जैन में भी नहीं आता आजकल 75 का टिकट। तो कल हम जाएंगे मूवी सुबह, तो मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी मैं जा रहा हूँ घर, शॉप क्लोज करके, क्लासेस हो गई हैं ओवर। मेरी एक मजबूरी हो गई अब, क्योंकि शॉप है तो अभी शॉप छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो या तो लेट नाइट जा सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी 9 बजे का शो है कल, तो शॉप आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो खुद का बिजनेस होता है तो ऐसे ही होता है, इसलिए टाइम निकाल के जाना पड़ता है वो अलग से। नहीं तो पहले कैसा होता था, कभी भी उठ के चल दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाता मैं। बच्चों गुड मॉर्निंग। तो सुबह का 6 बजे है अभी, और उठ के जिम जाते हैं पहले, फिर चलते हैं मूवी। चुप मूवी जा रहे हैं चुप। सो टाइम हो गया है, लेट हो रहे हैं। अभी जिम से आके नहा लिया हूँ, अब सीधे जाते हैं मूवी देखने के लिए। कुलदीप आएगा, उसको चाबी मिल जाएगी बाहर रखी हुई, और शॉप पे लेट जाना पड़ेगा आज क्योंकि मूवी है। तो वहाँ से डायरेक्ट फिर शॉप पिक्सी को लेने आना पड़ेगा घर पे। पिक्सी और ये अभी यहीं पे, ये पिक्सी और मेरा टिफिन यहीं रहेगा। फिर घर आके फिर सारा सामान लेके फिर शॉप जाऊँगा। तो ऐसे टाइम निकालना पड़ता है अगर बिजनेस होता है, नहीं तो सुबह 9 से रात में 9 तक मैं वहीं रहता हूँ शॉप पर। तो कुछ कर ही नहीं पाते एक्स्ट्रा, ब्लॉग भी नहीं बना पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में। ऐसे मोनोटोनस लाइफ चलती है तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा चेंज होते रहना चाहिए। हम आ गए हैं मॉल में, और पूरा मॉल खाली है अभी, और आगे से एंट्री भी नहीं दी उन्होंने। और पीछे से हम आए हैं घूम कर, और ये देखो लिफ्ट पूरी भरी हुई है, लिफ्ट पूरी भरी हुई है और कोई भी नहीं, बस सिर्फ जो 75 रुपीज़ में जो बच्चे बच्चे आते हैं सस्ते में, वो सब आए हुए हैं। और हाउसफुल जाने वाला है मुझे लग रहा है ये। फिश, कितनी सारी फिश है यहाँ पे, सही है। तो वो गाना है ना, देखा जो तुझे यार दिल में बजे गिटार टाण, तो वो वाला यहाँ पे शूट हुआ है। ये वो वाला मॉल है, रघुलीला मॉल। बहुत अच्छी मूवी है, रिव्यू दे रहे, 5 स्टार का रिव्यू दे रहे भैया, बहुत अच्छी मूवी है। मूवी को बनाने में रिव्यू दोगे तो तुम मर जाओगे ऐसा। सो अभी घर जा रहे हैं और शॉप भी जाना है, तो फटाफट पिक्सी को लेकर शॉप निकलते हैं। एक चीज़ की प्रॉब्लम है, तो जब भी मूवी देख के बाहर निकलो ना मुंबई में, मूवी हॉल इतना ठंडा होता है, लेकिन बाहर जैसे ही आते हैं हम तो वैसे इतना गरम गरम लगता है, और इतना शोर शराबा एकदम से चेंज हो जाता है। मतलब हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। तो मूवी और एक दिखते हैं वाह, तो काम कोई नहीं करेगा, काम नहीं करेगा हम। फिर सपने देखने से ही सच होते हैं, ठीक है, समझे। और ये आ गए हैं, केले लेकर आ गए हैं कुलदीप भैया। लंच टाइम में बनाना खाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं लंच में, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज हो जाता है, अच्छा रहता है। मतलब शाम अच्छी जाती है, फिर एनर्जेटिक जाती है एकदम। अभी देखो फॉर्म्स बाहर आ चुके एकदम से, देखो ऊपर निकल गए, कॉलर है वो, अरे भाई देखो ये है ना, ये पूरे बाहर आ चुके। थोड़ा बहुत कर लेते हैं एक्सरसाइज, ये सीक्रेट एक्सरसाइज है, कोई मत कर लेना। तो ये हम स्ट्रेच बैंड लाए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ये मीडियम साइज का या मीडियम वेट का बोल लो। ग्रीन वाला एक येलो वाला आता है, वो और लाइट होता है एकदम गर्ल्स के लिए, ये बच्चों के लिए होता है, हम बच्चे हैं अभी। फिर एक रेड आता है, एक ब्लू आता है, हैवी और एक्स्ट्रा हैवी, तो उसमें और ज्यादा ताकत लगती है, मोटा होता है वो, और तो इससे थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है अलग अलग टाइप से। मतलब जिम नहीं जाओ 1-2 दिन तो इससे कर लो, चलता है। मतलब साइड ये भी मार लो, बाइसेप भी मार लो। बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो है। मिट्टी जम गई। हाँ तो गाइस मिट्टी जम गई है, मिट्टी नहीं धूल बोलते हैं, तो एसी में धूल जम गई है तो वो निकाल रहे थे अभी। अब हम ट्यूटोरियल देंगे, ट्यूटोरियल दे दो ट्यूटोरियल। अरे ये क्यों दे रहे हो, ये बाहर लेके जाओ ऐसा हो। अरे पर नहीं जमी है। अरे जमी है बहुत है। सो धूल होती है इसमें, लोग बाग ऐसे धो देते हैं इसको पानी से, लेकिन हम इसको ऐसे ब्रश से ही साफ कर देते हैं तो धूल निकल जाती है सारी, धोने की जरूरत नहीं है। तो साफ हो चुके हैं, इसको वापस लगा देते हैं। अब आई ना हवा, आहा हा अब आ रही है हवा, फील हुई गाइस, फील कर। एरोमॉइल डिफ्यूजर बोलते हैं उसको, तो पूरा टूट ही गया यार, ऑयल भी जल गया। ऑयल भी मैंने वो प्लास्टिक के डब्बे में डाला था, वो प्लास्टिक के डब्बे पूरी पिघल गए, ऑयल फेंक दिया सारा, ये भी टूट गया। मतलब सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मतलब खुशबू चाहिए हमको, हमारी लाइफ में खुशबू ही नहीं आ रही है। कौन है खुशबू? खुशबू मतलब फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस भैया ये बुरा मान जाएगी, खुशबू नहीं है फ्रेगरेंस है हमारे, हमारे को एयर फ्रेशनर ले आएंगे, खुशबू कोई नहीं है, फ्रेगरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। पूरा ये टूट तो गया, इसको वापस रिपेयर करेंगे, इसको जिंदा करें, हमको खुशबू चाहिए, नहीं फ्रेगरेंस चाहिए हमको। अरे नहीं फ्रेगरेंस चाहिए, फ्रेगरेंस। कुछ तो बोल रही थी खुशबू खुशबू, पता नहीं मैं नहीं बोल, मैं क्यों उसका नाम जपू, मेरे को मैं नहीं जानती कोई खुशबू को। अरे बाप रे राड़ा हो गया, राड़ा 2 मिनट। ये फिर से टूटने वाला है, ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है लेकिन लग रहा है कैंची अंदर ही भूल गए। ये टूट गया। सो पिक्सी आके खाना मांगती है रोज, म्याऊ म्याऊ करती है, कैसे करती है वो अभी पता चलेगा आपको। देखो म्याऊ म्याऊ, हाँ क्या हो गया, ऐसे टच होती रहती है पैर से, बस ऐसा लगे दारू पी के आके मुझसे आके टकरा रही बार बार। और बेवड़ी बहुत ढीठी है पिक्सी, मुझे खाना खाना है नहीं उतरी, मैंने कितना ट्राई किया, एकदम कोने तक धक्का दे तो भी नहीं उतरी, उसको यहीं सोना। मेरा पूरा खाना खा के भी हो गया लेकिन उसको सोना है यहाँ पे, सीधे मना ही कर दिया, नहीं नहीं उतरेगी। अभी क्लासेस भी हो गई आज शाम की, वो पिक्सी बैग में से म्याऊ म्याऊ कर रही है, उसको भूख लग रही है। चल रहे घर चल रहे हैं बच्चों। सो क्लासेस हो गई है, अभी घर जाते हैं। गोप्रो एक्चुअली मैं यही रख के जाता हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग में फिर नहीं होता है, तो रात में सुबह तो आ ही जाते हैं और कुछ करते नहीं, सो जाते हैं। और आपका ये ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो और ज्यादा व्यूज होने के चांसेस हैं, तो आप लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, जो जो ने किया है सब्सक्राइब। तो सुबह आकर मिलता हूँ आपसे, बाय, गुड नाइट।